नगर में गणेश उत्सव पर पांडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं विराजित कर रोजाना पूजा व आरती की जा रही है। नगर में 20 से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक गणेश पांडालों में भगवान गणेश की अलग अलग स्वरूप की प्रतिमाएं के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु सुबह शाम पांडालों में विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे। आपको बता दें, शहरों की तरह अब नगर में भी भव्य व आकर्षक पांडाल बनाकर भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित की जा रही है, जिसको लेकर महिला पुरुष बच्चों में उत्साह है। नगर में निवासी रोड पर गजानन उत्सव मंडल ने पलसूत के राजा के रूप में गणपति के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहाड़ों में भारत के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति का पांडाल बनाया है। तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है। स्थानीय मंडल के पल्लव तायल ने बताया कि गजानंद उत्सव मंडल के कलाकारों ने रात दिन मेहनत कर थर्माकोल कपड़े व फाइबर ट्रस का उपयोग कर इसे तैयार किया है। यह मंडल पिछले 26 साल से भव्य व आकर्षक पांडाल बना रहा है। आयोजकों ने बताया, पांडाल भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमा भी भगवान बालाजी स्वरूप में स्थापित की है। तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह यहाँ भगवान का रोजाना आकर्षक श्रृंगार कर भोग लगाया जा रहा है। भगवान बालाजी के रोजाना नए स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पंडाल में उतार रहे मन्नत चढ़ावा तिरुपति बालाजी मंदिर भेजेंगे। आप बता दें, जो भक्ति तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर मन्नत नहीं उतार सकेंगे, वे यहां उतार रहे हैं। मन्नत स्वरूप अपने बाल यहां उतारेंगे। तिरुपति बालाजी में सोना चढ़ाने की परंपरा है, वैसे ही लोग यहां भी सोना चढ़ा सकते हैं। आयोजक पल्लव तायल ने बताया कि श्रद्धालुओं की मन्नत व चढ़ावा सम्मान तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचाया जाएगा। 10 दिवसीय उत्सव में 15 सितंबर रविवार को बालाजी की भव्य शोभा यात्रा ढोल तासे के साथ नगर के सभी गणेश पांडाल में होते हुए निकाली जाएगी। वहीं 16 सितंबर सोमवार को तिरुपति बालाजी मंदिर से लाई गई प्रसादी बांटी जाएगी। वहीं 10 दिवसीय उत्सव के समापन पर अनंत 14-17 सितंबर मंगलवार के दिन शाम को विशाल भंडारा किया जाएगा। हम खड़े हैं पलसूत के राजा गणेश उत्सव मंडल पांडाल में। आप देख सकते हो, इस वर्ष यहाँ पर बहुत ही शानदार आकर्षक तिरुपति बालाजी के स्वरूप पांडाल का निर्माण किया गया है। आइए हम जानते हैं मंडल के आयोजक पल्लव तायल से। पल्लव अग्रवाल, पल्लव जी, इस वर्ष किस प्रकार पांडाल का निर्माण किया गया? सर्वप्रथम समस्त सनातन धर्मावलंबियों को गणेश उत्सव का हार्दिक बधाई। इस वर्ष हम लोगों ने दक्षिण भारत विराजमान श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर का निर्माण यहाँ किया, जो देखने में अपने आप में बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पांडाल को बनाने में लगभग हम लोगों को 1 से 1.5 महीना लग गया। इस पांडाल में जो आप देख रहे हैं, थर्माकोल कपड़ा लोहा लकड़ी इसका इत्यादि का हम लोगों ने यहाँ उपयोग किया है, और इस तरीके से इसका निर्माण हुआ जो हम लोग मतलब हमारी कल्पना से ये चीज़ दूर थी कि हम लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे। इतना सुंदर इस पांडाल का निर्माण हुआ, जिसमें हम लोगों के लिए सहयोग में हमारा समस्त नगर पलसूत रहा, हमारे सनातन धर्म की जितनी समाजें हैं उन सब के समाज के अध्यक्षों का, हमारे प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पर बड़ा समर्थन रहा, सहयोग रहा। हम लोगों ने प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नए नए कार्यक्रमों का आयोजन किया है। श्री तिरुपति बालाजी से प्रसाद आ रहा है जो 14 तारीख को हमारे पलसूत नगर में पहुँच जाएगा। हम लोग 15 तारीख को उसका वितरण करेंगे, जिसका शुल्क 31 रुपये रहेगा। शुल्क इसलिए रखा गया है कि हम लोग वहाँ भी शुल्क से प्रसाद लेकर के आ रहे हैं, और पूरा जो पैसा और जो धन एकत्रित होगा वो सारा श्री तिरुपति बालाजी की ट्रस्ट में जमा होगा। मन्नतों के मामले में आप मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तिरुपति बालाजी नहीं जा सकते, वो लोग अपनी मन्नत और अपने बाल यहाँ पर उतार सकते हैं, और यहाँ पर आप जो दान दक्षिणा देंगे, आप मानिए ना मानिए, आपको उसका हिस्सा भी मिला जाएगा। आपको सारा इसका जो भी सहयोग राशि यहाँ पर आएगी वो पूरे तिरुपति बालाजी में दी जाएगी। हम लोग लगातार 26 वर्षों से यहाँ पर भगवान श्री गणेश की स्थापना करते आए हैं, और हमारा एक ही मूल कारण रहा कि हम स्थापना करते हुए और पूरे पलसूत को, पूरे जिले वासियों की वो हमारा जिला पूरा समृद्ध बना रहे, हम लोगों में एकता की भावना बना रहे, सनातन कार्यों में हम लोग हमेशा संलग्न लगा रहे हैं, इसलिए हम ये कार्यक्रम नियोजित करते आए हैं। भंडारे का आयोजन भी है जी, हम लोग 17 तारीख को शाम को 6 बजे से यहाँ पर संपूर्ण पूरे नगर वासियों के लिए हम भंडारा का आयोजन रख रहे हैं, जिसमें आप सभी जिलेवासी नगरवासी सादर आमंत्रित हैं।